सतीश यादव जी पहले तो अपनी पार्टी के अंदर वो लड़ाई लें टिकट के लिए, उनका लगता है मुझे अपनी पार्टी में उनका पांचवा छठा नंबर है, वो क्या किसी को तीसरे पे भेजेंगे। मेरे बेटे को ये बताऊंगा वो सतीश यादव तेरे पिताजी को तीसरे नंबर पे करने वाला वही है, पार्टी में उसको छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर अपना हिसाब और दूसरे का हिसाब दोनों के हिसाब रखे जाते हैं। राजनीति के अंदर जब नेता बात करते हैं तो अपनी बात भी करते हैं और सामने वाले की बात भी साथ साथ करते हैं। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव, क्योंकि अब चुनाव का ऐलान हो चुका है, हरियाणा के अंदर 1 अक्टूबर को मतदान होना है, इस समय तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं, उनकी तमाम कमेटियां लगी हुई हैं कि चुनाव में कैंडिडेट कौन होंगे, किनको चुनाव लड़ाया जाएगा, कौन दूल्हे होंगे, किनके सिर पे ताज सजेंगे, किनके सिर सेहरे सजेंगे, कौन मैदान में होंगे, ये तमाम तैयारी चल रही हैं। और इन तैयारियों के बीच में बोल बेबोल भी होते हैं और लोगों की बातें भी सामने आती हैं, राजनेता एक दूसरे पर तंज भी कसते हैं। और कुछ ऐसी बात रेवाड़ी से दोस्तों सामने आ रही है। रेवाड़ी विधानसभा, जहां से कप्तान अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव 2019 का विधानसभा चुनाव लड़के पहली बार विधायक बने, और पहली बार विधायक बनने के बाद में, हालांकि वो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, विपक्ष के विधायक हैं और आजकल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं 2024 के लिए। अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया कि 9 सितंबर को वो अपना नामांकन पत्र भरेंगे। जो उन्होंने बात की उसके अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी तंज कसे, और एक नेता हैं सतीश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि सतीश यादव आजकल कह रहे हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे, सतीश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी, तो उसके बदले में, उनके जवाब में कैप्टन अजय यादव और उनके बेटे चिरंजीव राव कहते हैं कि जिनकी हैसियत पार्टी के अंदर 5वें-6वें नंबर की है, वो आखिर कैसे करेंगे और वो उनके लिए क्या चुनौती बनेंगे। सुनिए क्या कहा था चिरंजीव राव और कप्तान साहब ने। सतीश यादव जी पहले तो अपनी पार्टी के अंदर वो लड़ाई लें टिकट के लिए, उनका लगता है मुझे अपनी पार्टी में उनका 5वां-6वां नंबर है, वो क्या किसी को तीसरे पे भेजेंगे। वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी में टिकट के लिए 5वें-6वें नंबर पे, वो क्या किसी को। तो उन्होंने कहा सतीश यादव के लिए कि जिनकी अपनी हैसियत नहीं है वो क्या करेंगे, तो जवाब सतीश यादव का भी आया। सतीश यादव कहते हैं कि चिरंजीव राव को, यानी कि लाडले बेटे को, ये पता होना चाहिए कि उनकी हैसियत तो 5वें या 6वें नंबर की है या उनके ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने ही, यानी कि सतीश यादव ने ही, उनके पिता को कप्तान अजय यादव को तीसरे स्थान पर लाकर रख दिया था, और साथ साथ कह रहे हैं कि अब वो इन्हें भी तीसरे स्थान पर लाएंगे। आप सतीश यादव को भी सुनिए। पता नहीं है वो भाजपा पार्टी में 6वें या 7वें स्थान पर है, इस तरह आप तो वो आंकलन आपका वो कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप उसको? मेरे बेटे को ये बताऊंगा वो सतीश यादव तेरे पिताजी को तीसरे नंबर पर करने वाला वही है, पार्टी में कहा उसको छोड़ दे, लेकिन तेरी अभी भाभी लड़ी थी ताजा चुनाव, उसको भी तीसरे नंबर पर। बेटा तेरा नंबर तीसरा ही है, सतीश यादव का क्या वो देखेंगे? अगर आप अपनी जमानत बचा लोगे तो हम मान जाएंगे। तो आपने दोनों नेताओं को सुना, चिरंजीव राव और कप्तान अजय यादव, उनको सुना जो सतीश यादव को बता रहे हैं कि उनका नंबर कौन सा है, यानी कि अपने संगठन में, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में उनका नंबर 5वां-6वां-7वां क्या क्या बता रहे थे, और दूसरी तरफ सतीश यादव कह रहे थे कि मेरा नंबर तो कोई भी है, लेकिन आपको पहले भी तीसरे पर लाया, आगे भी तीसरे पर लाकर रहूंगा। तो ये राजनीति है दोस्तों, और राजनीति के अंदर ये सब कुछ चलता है, और खासकर चुनाव के अंदर तो ये सब कुछ ज़्यादा ही चलता है। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों नेताओं के जो दावे हैं इनमें कितना दम है? आपको क्या लगता है कि रेवाड़ी विधानसभा चुनाव के अंदर जो सतीश यादव दावा कर रहे हैं चिरंजीव राव को कि तीसरे स्थान पर पहुंचा देंगे, वो उसमें कितना दम है? और आपको क्या लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई बागी कैंडिडेट चुनाव मैदान में अब की बार भी आ सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।